हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैगजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग आज अपनी क्रमिक चर्चा को नए लेक्चर साथ उपस्थित हुए। क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कारक की परिभाषा और उसके दो प्रकार देख लिए थे। आज हम लोग यहाँ पर उसका तीसरा प्रकार देखते हैं, कौन सा, करण कारक। हम लोगों ने दो प्रकार देखा था, पहला कौन सा, कर्ता कारक, जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और दूसरा कौन सा, कर्म कारक, जिसमें क्रिया का फल या प्रभाव नहीं पड़ता, या जिसमें कह रहे हम लोग कि जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्म होता है। अच्छा, करण कारक क्या होता है। करण कारक होता है कि अगर किसी वाक्य में क्रिया ही उसका साधन हो जाती है, वाक्य में अगर क्रिया ही उसका साधन हो जाती है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक। क्या होगी परिभाषा, परिभाषा क्या होगी इसकी, क्या होगी परिभाषा, वाक्य में यदि क्रिया ही कार्य करने का साधन हो जिसके द्वारा कार्य किया जाए तो वहां पर क्या होता है, करण कारक होता है। यदि किसी वाक्य में क्रिया ही कार्य करने का साधन हो जिसके द्वारा हम लोग कार्य को करें, तो वहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक। जैसे मैं लिखूं, अच्छा इसका विभक्ति चिन्ह आप लोग तो जान ही रहे ना, क्या होगा, के या के द्वारा, तो के द्वारा या के, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि साधन होगा। अगर भाई आप किसी के द्वारा कार्य करेंगे, किसी के सहारे कार्य करेंगे, तो वो आपका साधन होगा ना। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे बच्चा बल्ले के द्वारा क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर साधन हो गया ना कि बच्चा बल्ले के द्वारा क्रिकेट खेलता है, यानी कि बच्चा साधन क्या है यहाँ पर, बल्ला, ठीक, और क्रिया ही क्या है, क्रिया ही कार्य करने का साधन हो जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक। जैसे के नहीं से हो गया, से के द्वारा, जैसे हम लिखे और उदाहरण, जैसे हम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटते हैं, यानी कि यहां पर साधन क्या हुआ, कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी के द्वारा क्या किया जा रहा है, वृक्ष काटा जा रहा है। तो जहां पर क्रिया ही कार्य करने का साधन हो, वहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक। अगला कारक हम लोग देखते हैं, चौथा कारक कौन सा, संप्रदान।
अगला कारक देखते हैं। संप्रदान कारक, इसका विलोपति चिन्ह क्या होता है? को या के लिए, ठीक, को या के लिए। तो संप्रदान में भैया देखो विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को लिए, यानी कि आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं या जिस कारक में क्या हो कि कहीं पर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए या जिसके द्वारा कुछ किया जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक, ठीक। तो जिस वाक्य में क्रिया के लिए कुछ किया जाए या जहां पर किसी को कुछ देने का बोध हो, वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे देखिए, जैसे मैं लिख दूं राजू सोहन के लिए मिठाई लाता है, तो यहां पर संप्रदान कारक का चिन्ह आया के लिए, ठीक। और यहां पर आप इस वाक्य को देखिए, राजू सोहन के लिए मिठाई लाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया के लिए कुछ किया जा रहा है ना, किसी के लिए कुछ किया जाए, ऐसा वाक्य जिसमें किसी के लिए कुछ किया जाए वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक, या जिसमें किसी को कुछ दिया जाए, ठीक। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, जैसे मैं लिखूं राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह भी आ गया को, ठीक। लेकिन यहां पर चूंकि देने का भाव आ रहा है, देने का काम हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अच्छा, कभी कभी संप्रदान कारक में कुछ वाक्य जैसे क्या, जैसे के हित के वास्ते और के निमित्त, के निमित्त, ये तीनों शब्द नोट करके लिखिएगा, के हित के वास्ते के निमित्त, ये तीनों शब्द भी कभी कभी संप्रदान कारक में आते हैं। और जब ये शब्द आते हैं वाक्य में तो क्या होता है कि जो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए, वो क्या होता है? वाक्य से गायब हो जाता है। जैसे मैं लिखूं माने बच्चे के वास्ते खिलौना खरीदा, तो वाक्य में के वास्ते आ गया ना, के वास्ते, तो कहीं पर को या के लिए आया नहीं है, इसका छुपा हुआ अर्थ होता है।
के वास्ते, मतलब उसी के लिए, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य देखिए आपको पूछ लेता है, माँ ने बच्चे के वास्ते खिलौना खरीदा, बताइए आप कौन सा कारक है। तो के वास्ते, के हित, के निमित्त, अगर ये शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। और उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिख दूं, मैं कहूं मेरे ही निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं है, मेरे ही निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मेरे ही निमित्त शब्द आया ना, मेरे ही निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं है, तो निमित्त शब्द आ गया, कौन सा कारक, संप्रदान कारक। और देखिए, जैसे मैं लिखूं राम के हित लक्ष्मण वनवास गए, मतलब कि राम के हित लक्ष्मण वनवास गए, मतलब राम के लिए गए, ठीक। के लिए यहां पर क्या होता है, छुपा होता है, उसकी जगह पर के वास्ते, के हित, के निमित्त, इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो भैया इसको ध्यान में रखिएगा, के हित, के वास्ते, के निमित्त, अगर ये शब्द आएंगे तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, ठीक। फिर अगला कारक हम लोग देखते हैं, कौन सा, अपादान कारक, अपादान का अर्थ ही क्या होता है, अपादान का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। अर्थात ऐसा वाक्य दिया होगा आपको जिसमें कि क्रिया के अलग होने का आपको बोध होगा, वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। अगर परिभाषा हम लोग कहें तो क्या हो जाएगा कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के अलग होने की स्थिति की बात हो, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे देखिए आप लोग, मैं लिखूं पेड़ से पत्ते, बहुत ये आप लोग कई बार पूछा गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक, अपादान कारक, ठीक, ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं लिखूं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, भैया जब पत्ते गिरेंगे तो क्या होगा कि पत्ते अलग होंगे ना, उससे अलगाव की स्थिति आएगी ना, तो इसलिए कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। और मैं कहूं जैसे छत से बच्चा गिरा, अब छत से अगर बच्चा गिरेगा तो क्या होगा, छत से अलग हो जाएगा, अर्थात अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो इसलिए कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। और जैसे कभी कभी ऐसा भी वाक्य दे देता है, छत से
उतरी हुई छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता मतलब कि छत से अलग होगी तभी तो उतरेगी नीचे, छत से उतरी हुई लता। इस वाक्य में भी कौन सा कारक है? अपादान कारक। फिर हम लोग अगला कारक देखते हैं, छठा कारक अपना कौन सा? छठा कारक संबंध कारक। छठा कारक कौन सा है? संबंध कारक। संबंध का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे के साथ उसका मेल मिलाप कैसा है या उसका लगाव कैसा है। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ उसका लगाव प्रतीत होता है वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। क्या होगी परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव प्रतीत हो वहां संबंध कारक होता है। अच्छा देखिए, इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जो कारक का पहला वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया एक सबका विभक्ति चिन्ह, कौन सी विभक्ति ठीक क्या होगा, तो इसलिए मैं विभक्ति चिन्ह नहीं लिख रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा जैसे मैं लिखूं। अच्छा, विभक्ति चिन्ह संबंध का जाने रहे, काकी के, नानी रे, गारी रे, ठीक यही सब होता है। जैसे उदाहरण देखिए, क्या मैं लिखूं? सोहन का भाई आया है, तो इस वाक्य में देखिए आप लोग, सोहन का भाई, पहली बात तो विभक्ति चिन्ह आ गया का, ठीक, और उसके बाद इसमें संबंध भी तो दिखा रहा है ना कि सोहन का कौन है? भाई है, यानी कि एक दूसरे के साथ जहां पर संबंध दिखाया जाए वहां पर कौन सा कारक? संबंध कारक। जैसे मैं लिखूं, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिखूं, राजू की माँ बीमार है, ठीक। तो यहां पर देखिए विभक्ति चिन्ह किया गया ना, अब संबंध दिखा रहा है कि राजू और कौन है? उनकी माँ, तो एक दूसरे के साथ संबंध दिखा दे रहा है, इसलिए कौन सा कारक हुआ वाक्य में? संबंध कारक। अच्छा, संबंध कारक के बारे में एक और बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि यदि आप जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं संबंध कारक में तो उसमें आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे आप यही जानते हैं काकी के, नानी ने, रारी रे, तो आप कहीं किसी को भी लगा देते हैं, लेकिन संबंध कारक में अगर आपकी संज्ञा होगी तो इसके साथ विभक्ति चिन्ह का की के इसका आप प्रयोग करेंगे, और अगर सर्वनाम होगा तो आप कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तब आप ना, नी, ने, रा, री, रे किसी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर वाक्य में संज्ञा होगी तो आप काकी के, अगर सर्वनाम होगा तो नानी ने, रारी रे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर वाक्य में संज्ञा है, अगर हम संज्ञा के साथ कोई वाक्य बना रहे हैं तो विभक्ति चिन्ह संबंध में काकी के आएगा, अगर सर्वनाम के साथ संबंध कारक में वाक्य बना रहे हैं
तो विभक्ति चिन्ह नानी ने रारी रे आएगा। अगला कारक हम लोग देखते हैं कौन सा, अधिकरण कारक। अगला कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। अच्छा भैया इसका देखिए विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर प, तो में पर प आप देखिए जैसे पर शब्द आ गया पर, तो पर मतलब क्या होगा, किसी के ऊपर मतलब उसके नीचे कोई आधार होगा, तो ऐसा कारक जिससे हमको क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। परिभाषा में अगर हम लोग कहें तो क्या कहेंगे कि क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के बोध का ज्ञान कराने वाला कारक कौन सा कारक कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे छत पर बंदर बैठा। तो यहां पे पहली बात तो विभक्ति आ गई इसकी अधिकरण कारक की, क्या पर, और अगर भैया छत पर बंदर बैठेगा तो आधार छत रहेगा ना, तो वही मैंने कहा कि ऐसा कारक जो क्रिया के आधार को सूचित करेगा, ठीक, वहां पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। और देखिए उदाहरण, जैसे नदी में नाव जा रही है, तो विभक्ति चिन्ह में आ गया ना, लेकिन यहां में नदी में नाव यानी कि नदी के अंदर नहीं, पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर नाव, पानी के ऊपर चलेगी ना, तो नदी में नाव जा रही है यानी कि आधार क्या है आपका, पानी, उसके ऊपर क्या हो रही है, नाव जा रही, विभक्ति चिन्ह भी आ गया में, तो इसलिए कौन सा कारक होगा यहां पर, अधिकरण कारक। अच्छा अधिकरण कारक के लिए आप देखिए कुछ बातें, क्या अधिकरण कारक में ध्यान में आपको क्या रखना है, कुछ शब्द होते हैं किनारे, आश्रय और दिनों। अगर ये तीनों शब्द किसी भी वाक्य में रहेंगे आपको दिखेंगे तो वहां पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। और साथ में क्या होगा कि अगर ये तीनों वाक्य आएंगे किनारे, आश्रय और दिनों, तो वहां पर अधिकरण कारक तो होगा ही, साथ में क्या होगा कि जो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, विभक्ति जो इसकी होती है में पै और पर, तो क्या होगा कि ये विभक्ति का क्या होगा, लोप हो जाएगा, यानी कि ये विभक्ति नहीं आएगी। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, मैं कहूं कि वह
संध्या वंदन के समय गंगा किनारे जाता है। यहां पर देखिए कहीं में पर या प आया नहीं आया, वाक्य में शब्द कौन सा आया है, किनारे शब्द आया ना, कौन सा कारक, अधिकरण कारक। वह संध्या वंदन के समय गंगा किनारे जाता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वह संध्या वंदन करने के समय गंगा के किनारे पर जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी विभक्ति जो पर है उसका क्या कर दिया गया है, उसका लोप कर दिया गया। तो वही मैंने बताया कि अगर किनारे, आश्रय या दिनों, ये तीनों शब्द किसी भी वाक्य में होंगे तो वहां पर अधिकरण कारक होगा, साथ ही साथ अधिकरण कारक की विभक्ति जो होगी उसका लोप हो जाएगा। और उदाहरण देखिए, जैसे वह इन दिनों पढ़ने लगा है। वह इन दिनों पढ़ने लगा है। भैया देखिए वाक्य में कहीं में पर या प आया नहीं आया ना, लेकिन शब्द कौन सा आ गया, दिनों, इसलिए कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक। बढ़ते अगले कारक की ओर देखते हैं, अगला कारक क्या है अपना, आठवां कारक संबोधन कारक। संबोधन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को पुकारे, किसी को बुलाए, इसी का मतलब क्या होता है संबोधन। आप किसी को बुलाए, जैसे आप बोल रहे हैं ए राकेश यहाँ आओ, ए भाई जरा इधर आना, मतलब आप उसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह के वाक्य जिसमें किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए किया जाए, वहां संबोधन कारक होता है। जिन शब्दों का प्रयोग आप किसी को बुलाने के लिए या किसी को पुकारने के लिए करेंगे, वहां पर कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। जैसे मैं कहूं श्याम इधर आओ, श्याम इधर आओ, मतलब आपने पुकारा श्याम को, श्याम इधर आओ, तो क्या हुआ, संबोधित किया ना उसको, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक। और वाक्य देखिए, जैसे मैं कहूं अरे तुम यह क्या कर रहे हो, अरे तुम यह क्या कर रहे हो, तो क्या हुआ, संबोधित किया ना हमने, विभक्ति चिन्ह भी आ गया। अच्छा, संबोधन कारक पिछले वीडियो में बताया है सारी बातें, हे हो अरे इस तरह के शब्द किसमें प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक में, अरे तुम यह क्या कर रहे हो, तो क्या किया आपने, संबोधित किया ना किसी को, तो क्या होगा, संबोधन कारक। जैसे और वाक्य देखिए, मैं लिख दूं हे राम मुझ पर दया करो, हे राम
मुझ पर दया करो, यानी आपने कहा हे राम मुझ पर दया करो, यानी कि क्या आप ईश्वर को बुला रहे हैं, राम को बुला रहे हैं कि हे राम हम पर क्या करो, दया करो, संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए वाक्य में कौन सा कारक, संबोधन कारक। इसलिए अब क्या हुआ कि जो जितने भी प्रकार थे कारक के हम लोगों ने एक एक करके देखा, आशा है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।